हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक हमारा कबूतर की ट्रेनिंग के ऊपर है। कबूतर को हमने हाथ पर कैसे बुलाना है और इसको हमने बाइक के साथ कैसे ट्रेन करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास बच्चा आ चुका है, जो कि काफ़ी मेहनत के बाद जाके मिला, क्योंकि आजकल सीजन था लेकिन लोगों के पास इतना छोटा बच्चा नहीं था, तो बड़ी मुश्किल से ये एक बच्चा मिला है मुझे। तो इंशाल्लाह अभी इसको हम ट्रेन करेंगे। तो रात को ये आया है मेरे पास और आज से इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट है। तो इसको मैं पहले दिन से दूंगा ये चना, क्लोज में चना। आप ये चना देख सकते हैं, इसको हमने देना है आज से चना। तो अब जैसे जैसे अब हम इससे चना देना स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग में ये थोड़ा सा तंग करेगा, लेकिन जैसे 4 से 5 दिन गुजरेंगे या दो दूसरे दिन ही, तीसरे दिन ही, 4 से 5 दिन, जैसे जैसे पता चल जाएगा कि इस हाथ से मुझे खुराक मिल रही है, तो ये फिर खुद हाथ काटने लग जाएगा। फिर इसी तरह जब हम इसका पिंजरे का गेट खोलेंगे तो ये पिंजरे का गेट खोलने के साथ ही बाहर छलन मारेगा और पीछे पीछे आएगा कि मुझे खाना दो, और खाना मांगने के लिए ये हाथ पर काटेगा या हाथ पर चूंचे मारेगा। सो अभी तो ये पार्ट वन है, इस पार्ट वन में मैं इसकी ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ कि इसे कैसे खिलाना है। इंशाल्लाह हफ्ते बाद का इसका पार्ट टू आएगा, एक हफ्ते बाद में इसका पार्ट टू डालूँगा और इसी तरह इसके पार्ट्स करते रहेंगे। फिर इंशाल्लाह जब ये प्रॉपर ट्रेन हो जाएगा तो हम इसे फ्री फ्लाई के लिए बाहर कहीं लेके जाएंगे, इसे हम बाहर फ्री फ्लाई करवाएंगे, वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के सामने लाइव होगा, उसकी क्लियर एक वीडियो बनेगी जिसको हम बिल्कुल कट नहीं करेंगे। जो हम वीडियो बनती रहेगी उसमें हम इसकी वीडियो बनाएंगे जिसमें इसको हम फ्री फ्लाई उड़ा के दिखाएंगे या खुले माहौल में इसको हम उड़ाएंगे, बुलाएंगे अपने पास। इसी तरह जब ये थोड़ा सा और मतलब अपनी जान बॉडी में टाइट हो जाएगा तो फिर इसको हम बाइक के साथ भी ट्रेन करेंगे। तो इसको हम बाइक के साथ भी लेके जाएंगे। असल में बच्चा बड़ी मुश्किल से मिलता है, बहुत लोग देते नहीं क्योंकि दिल नहीं करता उनका कि यार इतना छोटा बच्चा देना, ये भी बड़ा थोड़ा सा बड़ा है, इससे छोटा बच्चा लाता हूँ। इससे पहले मैंने अपने वाइट पिजन्स की जो है ना मैंने वीडियो उस पर स्टार्ट किया था पार्ट्स के हिसाब से, लेकिन बीच में कुछ मसला आ गया था, मुझे गांव जाना पड़ गया था और जबकि मैं गांव से वापस आया तो घर वाले उसे पाल नहीं पाए, तो वो काफ़ी बीमार हो चुका था, जिसके बाद उन लोगों ने जो है ना उसे दे दिया। तो उसके पार्ट्स पहले तो मैं देखूँगा शायद डिलीट कर दूँ, नहीं तो अगर पड़े रहे तो कोई मसला नहीं है, उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। बाकी अब इंशाल्लाह हमारा बच्चा आ गया है और इसमें मैं आपको पूरा ट्रेन मतलब अब इस बच्चे से लेकर इसकी पूरी ट्रेनिंग तक की स्टोरी में आपको अपलोड करके दिखाऊंगा। और आप भाइयों ने इसे देखना है, न्यू न्यू चैनल है और आप लोगों ने थोड़ा सपोर्ट करना है। जिस भाई ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करता रहे और बेल के आइकन को लाजमी दबाया करें। वीडियो को लाइक करना ना लाइक करना उसका मसला नहीं है, लेकिन आप वीडियो को पूरा देखा करें। और हाँ, अगर आपका दिल माने कि यार वाकई वीडियो हमारे इस वीडियो से हमें कोई फ़ायदा हुआ है तो यार एक लाइक कर दिया करें, लाइक से कुछ नहीं होता, आप तो क्या जाएगा यार, ना आपका डेटा ज़ाया हो रहा है ना कुछ हो रहा है। आप एक वीडियो देख रहे हैं लेकिन आप उसको देखने के बाद लाइक नहीं कर रहे, क्योंकि इससे पिछली वीडियो जो मैंने अपलोड करी थी उस वीडियो में मेरे यार व्यूज़ तो माशाल्लाह से के अंदर व्यूज़ हैं, लेकिन उस पर जो लाइक हैं वो लाइक सिर्फ 25-30 हैं, तो यार थोड़ा दिल छोटा हो जाता है। लेकिन फिर भी बहरहाल हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि एक अच्छी से अच्छी वीडियो बनाना और जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो। और जितने आराम से मैं आपको समझा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें समझ आई होंगी। फिर भी अगर किसी भाई को समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि भाई मुझे ये चीज़ है, तो मैं उसे अपना नंबर दूंगा, वो मुझसे नंबर पर रब्ता करें, इंशाल्लाह हम अपने भाई को सब चीज़ बताएंगे। ये कबूतर है, अब इसके बाद हमें जब ये ट्रेन हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह हम लेकर आएंगे एक कॉकटेल का बच्चा, फिर हम कॉकटेल के बच्चे को ट्रेन करेंगे, साथ ही साथ एक ऑस्ट्रेलियन बजरी कह लो या ऑस्ट्रेलियन फाइलो, मतलब कोई भी ऑस्ट्रेलियन की कोई भी जो है ना हम नस्ल लेंगे और उसको फिर हम ट्रेन करेंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलियन बाइक के साथ ट्रेन नहीं होता, लेकिन यह कि हम उसे फ्री फ्लाई ट्रेन करेंगे और वो भी अपने भाइयों के साथ शेयर करेंगे कि एक ऑस्ट्रेलियन को कैसे फ्री फ्लाई कराया जाता है, कॉकटेल को कैसे कराया जाता है। और जैसे जैसे आपके रिव्यू आएंगे इस वीडियो के ऊपर
जैसे भी मैं पिजन्स भी डालूंगा, इसके ऊपर जो व्यूज़ आएंगे, जो लाइक आएंगे, कमेंट आएंगे, उस हिसाब से मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा। जब इसके पार्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर हम इंशाल्लाह एक कॉकटेल का बच्चा हायर करेंगे, और कॉकटेल के बच्चे के साथ साथ हम एक ऑस्ट्रेलियन का बच्चा भी हायर करेंगे। कॉकटेल को कोशिश करेंगे बाइक के साथ उड़ाने के लिए, अगर कॉकटेल बाइक के साथ ना उड़े तो फ्री फ्लाइट हम उसे हैंड टाइम, जिसे फ्लाई टाइम कहते हैं, कि फ्लाई टाइम हम उसे ट्रेन करेंगे और ओपनली ओपन जाके हम उसे फ्लाई टाइम में ट्रेन करेंगे। इसी तरह ऑस्ट्रेलियन को भी करेंगे। बाकी भी ऑस्ट्रेलियन और कॉकटेल उसके बारे में मैं बाद में एक वीडियो बनाऊंगा। बाकी अभी हमारा पिजन जो है, अब हम इसे थोड़ी सी फीड करवाते हैं कि अब इसे हमने फीड कैसे करवानी है। तो आपने चने लेने हाथ में और आपने इसको इस शेप में करना है, क्लोज में करना है। आपने इसके चोंच से पकड़ना है, इसका मुंह ऐसे खुल जाएगा और आपने एक एक दाना अंदर डालना है। तो ये साथ ही साथ खाता रहेगा खाता रहेगा। तो आपने इसका पोटा फुल करना है, पोटा फुल करने के बाद आपने इसको थोड़ा सा पानी में पिलाना है। थोड़ा सा पानी कैसे, अगर आपके घर में बेसन है तो आप नलका खोल के नलके के नीचे हाथ पकड़ें और इसकी चोंच वहाँ रखें तो ये वहाँ से भी पानी पिएगा। अगर नहीं तो फिर आप इसको किसी सिरिंज से पानी पिला दें या किसी बर्तन में इसके पास पानी रख लें, ये खुद ही पी लेगा। तो इसी के साथ मेरी वीडियो का एंड करते हैं, मुझे दीजिएगा इजाज़त। और चलते चलते एक और बात कि मेरा चैनल न्यू है भाई, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। जिस भाई ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जो इस वीडियो में नए हैं, प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दिया करें। एक जो आपका फ्रेंड इस चीज़ की शौक़ रखता है उसके साथ एक शेयर कर दिया करें, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट चाहिए। क्योंकि आप ही लोग हो जो हमें आगे लेके जाते हो, हम खुद से खुद नहीं जा सकते, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम एक ऐसी चीज़ बनाएं कि जो आप लोग पसंद करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब भी करें और हमें आगे भी लेके जाएं। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।